लिए है शान जिंदगी, वतन की हिफाजत जिनके लिए है शान जिंदगी, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सर कटाने के लिए रहते हैं वो तैयार, क्योंकि उनका कर्म ही है उनके लिए शान जिंदगी। जी हाँ, 15 अगस्त की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के उस फ्रंट लाइन हथियार या फिर उस बहरी के बारे में जिसने हर जंग में भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम किया, जिसने हर जंग में दुश्मन के जो दांत हैं खट्टे कर दिए। आइए हमारे साथ और देखिए भारत के उन हिफाजत के तौर पर उन टैंक्स के बारे में जो हमेशा भारत की हिफाजत में फ्रंट वॉर में शामिल रहे हैं। इस काल को देखकर पाकिस्तान जहां पनाह मांगने लगता है, वहीं ये गर्जना चीन के घमंड को चूर चूर करने वाला है। किंग ऑफ बैटल यानी युद्ध का राजा, यानी टैंक वो शक्ति है जो किसी भी युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माना जाता है कि अगर जब युद्ध होता है तो बैटल्स की ताकत किसी भी इन्फेंट्री यानी या आर्टिलरी यानी आपकी तोपखाने और आपकी जो सेना होती है उसके मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि ये 2.5 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। आपको याद होगा कि 1971 या फिर 1965 की जंग, यही आर्मेड रेजिमेंट या फिर टैंक की पावर थी जिसने भारत को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसके गुर्रेजने की और इसके चलने की ताकत के बाद पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इंडिया न्यूज पर कि भारत की टैंक रेजिमेंट यानी आर्मेड रेजिमेंट की क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए हमारे साथ और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारत की इस टैंक रेजिमेंट ने कई सालों में न सिर्फ अपने आप को अत्याधुनिक बनाया बल्कि ये भी दिखाया कि ये टैंक रेजिमेंट जंग का मैदान में किस तरीके से चीजों को मोड़ सकती है। पाकिस्तान जब कभी कश्मीर की ओर अपने नापाक कदम बढ़ाने की हिमाकत करता है तो सरहद पर T-90 और T-72 जैसे काल को देखते ही उसे कराची की फिक्र सताने लगती है। लेकिन अब इस काल को वो चीन भी देख ले जो गाहे बगाहे 62 की जंग के नाम पर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकियां देने से बाज नहीं आता है। भारत की सीमा इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर LAC दोनों ही जगह चुनौतियां चारों तरफ है, लेकिन टैंक की ये पावर ना सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों के अंदर बल्कि खास तौर पर जब आप बात करते हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर कभी जंग के मैदान में कई गुना ज्यादा अपनी क्षमता दिखा सकती है। चाहे वो 50 डिग्री के खास रेगिस्तान हो या फिर आपके सियाचिन या फिर लेह और लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ियों वाली जगह, ये टैंक रेजिमेंट या फिर आर्मी रेजिमेंट जंग के सभी जो सिनेरियो है उनको पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। माना जाता है कि अगला जो भी युद्ध होगा वो उन दुर्गम स्थानों पर या फिर पहाड़ी इलाकों में होगा जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, और वहां पर आपकी ये आर्मी रेजिमेंट या फिर टैंक रेजिमेंट किस तरीके से युद्ध के सभी चेहरों को मोड़ सकती है या फिर बदल सकती है ये आप देखिए। क्योंकि माना ये जाता है कि टैंक जो है वो ना सिर्फ एक चलती फिरती जो चीजें हैं उसको जल्दी से जल्दी आपके दुर्गम आपके दुश्मन के इलाकों में पहुंच सकती है, बल्कि आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह टारगेट करने वाले हो तो उसके लिए भी एक आसान चीज होती है। ये टैंक हमें भले ही हमारे दोस्त रूस ने दिए हो, लेकिन हिंदुस्तान और हिमालय के संगत से अब ये अपराजय बन चुके हैं। T-72 टैंक और T-92 टैंक ये वो दो भारत की शक्ति हैं जो लगातार दुश्मन को चने चबाने के लिए काम कर रही है। कई दशक हो चुके हैं भारत ने कई जंगों में इसका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन लगातार आज भी भारत की शक्ति में ये एक और इजाफे का काम करता है। हम इस समय T-72 टैंक पे हैं और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आप मेरे
दूसरी तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि T90 और T72 टैंक खड़े हैं, और ये वो टैंक्स हैं या फिर वो शक्तियां हैं जो लगातार भारत के लिए एक एसेट के तौर पर, यानी एक चीज के तौर पर काम करते हैं, जो लगातार भारत की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जंग के मैदान में जब भी अगर जंग लड़ी जाती है तो उसमें राजा आर्मड होता है। आर्मड यानी टैंक की वो पावर जो जंग में ना सिर्फ आपको एक शक्ति देती है बल्कि दुश्मन के सामने आपको एक अपर हैंड भी देती है। यही वजह है कि आर्मड लगातार भारत की क्षमताओं में इजाफा करते। हालांकि ये दोनों ही टैंक भारत ने रशिया से लिए थे और आज ये भारत का एक अपना हिस्सा बन चुके हैं, और भारत लगातार इनमें कई डेवलपमेंट्स या फिर कई अपडेट्स लगातार करते हुए इनका इस्तेमाल कर रहा है। और आज ये आलम है कि भारत अपने खुद के अर्जुन और दूसरे टैंक बना रहा है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। इनकी ताकत और खूबियों के चलते पीठ पीछे वार करने से पहले भी हिंदुस्तान के दुश्मन हजार बार सोचते हैं। ये भारतीय सेना की टैंक की ताकत है जो आप देख रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ T-72 टैंक बल्कि T-90 टैंक जैसे लेटेस्ट टैंक शामिल है। और ये वो टैंक है जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। जब ये टैंक चलते हैं तो उससे आवाज से दुश्मन की धड़कनें तक हिलती हैं। यहाँ अगर आप ये देख रहे होंगे, ये वो जगह है जहाँ से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बैटलफील्ड के अंदर जब ये टैंक इस तरीके से मूव करते हैं या फिर जब ये आगे चलते हैं अपने दुश्मन की तरफ, तो किस तरीके से ये आगे दुश्मन के लिए मुसीबत बन के निकलते हैं। अगर आप देख रहे हो तो इन टैंक्स की जो खास तौर पर इनकी खासियत है वो ये कि T-90 टैंक जो है वो ना सिर्फ 5 किलोमीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकता है बल्कि मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। वहीं T-72 टैंक की भी यही खासियत है। हालांकि T-72 टैंक जो है वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, लेकिन T-90 टैंक जो है वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, और नाइट डिवीजन कैमरा या फिर डिवाइसेस के साथ होता है जो रात के अंधेरे में भी ना सिर्फ मूव कर सकता है बल्कि अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है। भविष्य के युद्ध भले ही तकनीक के बूते लड़े जाने का दावा किया जाता हो, लेकिन उस हालात में भी ये टैंक हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए महाकाल ही साबित होने वाले हैं। माना जाता है कि आगे जब भी युद्ध होगा वो न्यूक्लियर केमिकल वेपन से होगा। जी हाँ, यानी न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए या फिर उससे मुकाबला करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर देश के या फिर अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आपके पास टैंक की ज्यादा से ज्यादा पावर हो, क्योंकि T-90 और T-72 जैसे आधुनिक जो टैंक है ये ना सिर्फ आपके दुश्मन से मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है बल्कि ऐसे वॉरफेयर के लिए बहुत ज्यादा कारगर भी है, क्योंकि ना सिर्फ इन टैंक्स की मदद से आप अपने दुश्मन के न्यूक्लियर और केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उस पर अटैक भी कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत की ये टैंक रेजिमेंट इस मुकाबला करने के लिए कितनी ज्यादा सक्षम है। आपको दिखा रहे हैं T-90 टैंक्स और T-72 टैंक्स के बारे में। ये भारत के वो टैंक्स हैं जिन्हें भारत ने कई दशकों पहले रशिया से लिया था, लेकिन आज भारत खुद के टैंक्स भी बना रहा है। आज हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब जंग का मैदान होता है तो हमारे ये टैंक्स किस तरीके से काम करते हैं, और न सिर्फ काम करते हैं, किस क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमारे जो सैनिक हैं इन टैंक्स में काम करते हैं। टैंक के अंदर कितने लोग होते हैं जो काम करते हैं और किस किस का क्या काम होता है? एक टैंक के ऊपर 3 आदमी काम करते हैं, जिसमें ड्राइवर, गनर्स और ऑपरेटर कमांडर्स। ड्राइवर का काम है टैंक को चलाना, उसका मेंटेनेंस देखना और टैक्टिकली लिहाज से पोजीशन में टैंक को लगाना। यानी आप गनर का भी काम करते हैं और आप पूरा कोऑर्डिनेशन का भी आप ही काम करते हैं? हाँ, यस। एक कमांडर को जो है तीनों ट्रेड के बारे में जानकारी दिया जाता है। वो ड्राइवर का भी काम कर सकता है, गनर का भी काम कर सकता है, और कमांडेंट कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले सकता है। यानी अगर आप देखें तो टैंक के अंदर 3 लोग जो होते हैं ऑपरेट करते हैं। एक होता है यहाँ पर जो खास तौर पर जो ना सिर्फ
जो पूरी कमांड देखता है, बल्कि जो यहाँ पर जो गन है, यानी जो अगर दुश्मन आपके क्लोज आ जाता है तो उसको अटैक करता है, और दूसरा यहाँ पर जो गनर होता है यानी जो लोकेशन बताता है जब आपका टैंक किस जगह पे किस लोकेशन पे किस टारगेट को अटैक करेगा, ये सभी चीजें यहाँ से बताई जाती है। और यहाँ से ये आगे अगर आप देखें तो आपको एक और कपोला नजर आएगा जो नीचे की तरफ है, ये वो जो जगह होती है, ये वो जगह होती है जहां पर ड्राइवर बैठता है यानी, और ये अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि ये वो जगह है जहां से आप मिरर से ना सिर्फ ड्राइवर देख सकता है बल्कि नाइट विजन कैमरा की मदद से ये भी देख सकता है जब रात को मूवमेंट करनी हो तो किस तरीके से आगे चल सकता है। 70 साल के आजाद हिंदुस्तान ने अब तक कई चुनौतियों का सामना किया है और हर चुनौती का अविचल हिमालय की तरह डटकर मुकाबला भी किया है। देश अपनी आजादी के करीबन 70 साल बना रहा है। इन 70 सालों में भारत ने कई चुनौतियों कई चीजों का सामना किया, लेकिन हमेशा जब भी इन चुनौतियों के अंदर सबसे आगे कहा जाए तो आर्मेड कोर जो थी हमेशा खड़ी। हमारे साथ मेजर जनरल नीरज कपूर साहब हैं। सर, अगर मैं पूछूं आर्मेड कोर की रिलेवेंस के बारे में या फिर उसकी महत्वता के बारे में तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? भारतीय सेना में आर्मेड कोर की मैकेनाइजेशन सन 1937-1938 में हुई। टैंकों के आगमन से जो हमारी काबिलियत है वो काफी बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आर्मर्ड कोर एक तेजी से भिन्न भिन्न इलाके को क्रॉस करते हुए दुश्मन के सामने भारी तादाद में फायर पावर गोलाबारी करती है और शॉक एक्शन प्रोड्यूस करती है, और शॉक एक्शन प्रोड्यूस करके ही दुश्मन को बर्बाद करती है और विजयी होती है। मैदान जंग में भारतीय सेना की आर्म्ड कोर के साथ साथ मैग्नाइज इन्फेंट्री की भी अहम भूमिका रही है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी वो सुरक्षा कवच जो जंग के मैदान में ना सिर्फ हमारे सोल्जर्स को एनिमी के यानी दुश्मन के इलाके में घुसने में मदद करता है बल्कि एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। जी हाँ, ये बीएमपी है जो आप देख रहे हैं। किस तरीके से ना सिर्फ अभी जो एक ड्रिल के तौर पर हमें दिखाया जा रहा है कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पे कैसे काम किया जाता है बल्कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। मेजर मोहित, जब ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पर एनिमी हमारे सामने होता है तो किस तरीके से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या फिर इसको बीएमपी काम करता है? जो बीएमपी एक वेपन प्लेटफॉर्म है जो कि इन्फेंट्री को एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन देता है जो कि दुश्मन के इलाके में उसे आर्मर की चादर होने के कारण स्मॉल आर्म से और आर्टिफायर से प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मेन आर्मामेंट है वो 30mm कैनन है जिसके अंदर हम एपी राउंड और एचई राउंड फायर करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर एक मिसाइल लॉन्चर भी लगा है जो कि कॉन्कोर्स एम और कॉन्कोर्स मिसाइल फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात टैक्टिक्स की, तो ये जो बीएमपीज हैं ये बीएमपी ऑब्जेक्टिव के पहले हॉल्ट करती हैं, स्टिक डिसमाउंट करता है, बीएमपीज एक स्मोक का चादर बनाती है जो कि इनहेरेंट प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ जब भी जो स्टिक डिसमाउंट करने के बाद दुश्मन के ऊपर धावा बोलती है फायर एंड मूव का इस्तेमाल करते हुए। आप देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो है ये बीएमपीज जो है काम करती हैं, और यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ एक शील्ड के तौर पर एक सुरक्षा कवच देती है जब आप दुश्मन के इलाके में कोई ऑपरेशन चलाना हो या आपको करना हो, और खास तौर पर ये ना सिर्फ प्लेन एरियाज में बल्कि पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन, माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन चलाना या फिर करना बेहद मुश्किल होता है, और ऐसे में ये बीएमपीज यानी ये वो चीज है जो दिखती टैंक की तरह है लेकिन दरअसल इसके अंदर जो लोग हैं यानी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अब हम आपको जंग मैदान का वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दिखाते हैं जो हमारे जवानों का सुरक्षा कवच है। दरअसल ये खासतौर पर ना सिर्फ एक शील्ड का तौर पे काम करती है बल्कि इलाकों में उन दुर्गम इलाकों में जाने का काम करती है। मेजर मोहित, अगर हम इसको खोल के दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो अंदर अगर आप देखें तो ये पूरी मशीनरी या फिर ये पूरी जगह होती है जहां से बैठकर जो हमारे सैनिक हैं इसके अंदर बैठकर ना सिर्फ आगे मूवमेंट करते हैं बल्कि ये उनको एक सुरक्षा कवच के तौर पर भी काम करती है। अगर आप देखें तो करीबन 4 से 5-6 लोग जो हैं इसमें बैठ सकते हैं और 3 लोग जो होते हैं इसको ऑपरेट करते हैं, एक ड्राइवर होता है, गनर, 3 लोग जो होते हैं इसको ऑपरेट करते हैं, एक ड्राइवर होता है, गनर होता है, और इनका काम ना सिर्फ ये होता है कि जब आप
दुश्मन के इलाके में घुस रहे हैं या फिर ऑपरेशन चला रहे हों, तो आपको अपने सैनिकों की मोबिलिटी या फिर उनकी मूवमेंट के लिए काम आए, बल्कि आप उनको आगे के रास्ता क्लियर करके भी दे सकें। मेजर मोहित, जब हम बात करते हैं खासतौर पर, इसके अंदर ना सिर्फ सैनिक बैठ सकते हैं बल्कि इसके अंदर से टारगेट भी कर सकते हैं। जी, ये एक देखिए, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो है, ये एक मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट का मेन वेपन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर मेन आर्मामेंट है आपका ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि कॉन्कोर्स M है, जो कि एक थर्ड जनरेशन मिसाइल है। साथ ही साथ इसके अंदर 30mm कैनन का बंदोबस्त भी किया गया है और एक कोएक्सियली 7.62 PKD का, जो कि दुश्मन के सॉफ्ट टारगेट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो है, ये दुश्मन के इलाके में इन्फेंट्री को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 3 लोगों का क्रू रहता है, ड्राइवर, कमांडर एंड गनर, और साथ ही साथ 7 लोगों की स्टिक रहती है, जिसके पास अपने पर्सनल वेपन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 7 की जो स्टिक है वो लैंडिंग कंपार्टमेंट में बैठती है, इसे लैंडिंग कंपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और सामने जो आप अंदर घूमता हुआ देख सकते हैं, वो एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल के ऊपर आपका कमांडर और गनर जो है बैठे होते हैं, जो कि स्टैब का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर 280 डिग्री तक फायर कर सकते हैं। सेना की आर्म्ड कोर और मैकेनाइज इन्फेंट्री के जवान यूं ही फौलाद नहीं बन जाते, इसके लिए उन्हें हाड़ कपा देने वाली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। पीएमपी से निकलने के बाद खासतौर पे जो ये इन्फेंट्री यानी वो सैनिक जो पैदल चलते हैं, वो इस तरीके की पोजीशन लेते हैं, और ऐसे करीबन 6 सैनिकों की अलग अलग जो टीम होती है, इनके पास ना सिर्फ रॉकेट लॉन्चर लेटेस्ट बल्कि एमुनेशन और ये होता है। और ये 6-6 की टुकड़ी जब ऐसे इलाकों में जाती है जहां पर दुश्मन बैठा हो या फिर उसकी टेक्टिकल पोजीशन हो, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये यही दुश्मन के इलाके में घुसकर सबसे आगे जाकर उसको बर्बाद करते हैं। यानी ये वो जवान होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो क्लोज कोऑर्डिनेशन में यानी जंग के मैदान में, कहा जाता है कि हर किसी का अपना रोल डिफाइन होता है, और ये रोल खासतौर पर जब डिफाइन होता है जब ये लोग आर्मर्ड से या फिर BMPs की मदद से, आर्मर्ड यानी टैंक और इन्फेंट्री BMPs की मदद से जब आगे बढ़ते हैं दुश्मन के लिए, तो उनके तो उनसे इलाकों में घुसकर उनके लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, अहमदनगर।